राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें से 60% से ज़्यादा लड़कियां हैं। पुलिस स्कूल का निर्माण ही लगभग सभी कमरे और यहाँ पे हॉल का निर्माण है, ये सब भामा साहब के द्वारा कराया गया। और इसमें खासकर स्कूल के अंदर एक ये हॉल है यहाँ पे एक 80x40 का, जो शायद मेरे ख्याल से जयपुर और दिल्ली के बीच में एक हॉल बताते हैं, जो इतने बड़े तादाद के अंदर इतना बड़ा हॉल है यहाँ। इस हॉल में हमारे स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और ये हॉल बरसाती दिनों में या कल्चरल प्रोग्राम में या गर्मी के टाइम में बहुत काम आता है। और कई बार सेंटर भी है, बोर्ड का सेंटर भी है, तो एग्जामिनेशन हॉल के भी बड़ा अच्छा काम आता है। सरकार की योजना चल रही है साइकिल वितरण की, वो प्रतिवर्ष हमारे स्कूल में काफ़ी बड़ी संख्या में वितरित हो रही है। हमारे गांव के ही एक भामाशाह हैं जो भिवाड़ी में रहते हैं, उन्होंने गर्ल्स के और बॉयज़ के आधुनिक शौचालय बनवा के दिए हैं टॉयलेट। इससे बच्चियों को पहले बहुत समस्या थी, जो टॉयलेट्स थे वो नए के बराबर ही थे। यहाँ जो पानी की सुविधा है वो भी भामाशाह ने टॉयलेट्स के साथ ही करवाई थी। टॉयलेट्स बनवाने से भी गर्ल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शौचालय नहीं था जिससे लड़कियों को बहुत परेशानी होती थी और एडमिशन भी कम था। अब हमारे भामाशाह ने शौचालय का निर्माण करवाया जिससे लड़कियों की संख्या बढ़ी है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कठिनाई नहीं होती है। पहले बाथरूम के लिए परेशान होना पड़ता था, अब पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, बोरिंग भी लगा दी है स्कूल में, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, स्कूल के अंदर ही सारा काम हो जाता है। इस विद्यालय में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही है, लड़कों की संख्या कम है। और इसमें सभी तरह के कमरे लगा के, छोटे बड़े कमरे लगा के 36 तो इसमें कमरे हैं। और एक अभी इसमें निर्माण चल रहा है रमसा के थ्रू साइंस लैब का, तो स्कूल के अंदर सुविधा है वो एज ए कह लो, एज ए पब्लिक स्कूल में जो सुविधा होती है लेटेस्ट मॉडर्न और नई और आधुनिक, वो सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। जो आज हमारे यहाँ का जो बच्चा है, जो आसपास के जो स्कूलों में है उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है, उनको ये लगता ही नहीं हम किसी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। ये बच्चों का जो मिड डे मील खाने का जो प्रबंध होता है उसके लिए रसोई की व्यवस्था के लिए भी रसोई घर बनाया जा रहा है निर्मित है। ये RO चिलिंग यूनिट, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल आधुनिक तरह के विद्यालय में शौचालय हैं। ये हमारे स्कूल की मिड डे मील तैयार होने वाली रसोई घर है। यहाँ इसकी पूरी साफ सफाई का और खाने की गुणवत्ता का हम पूरा ध्यान रखते हैं और समय समय पे हम खाना चेक भी करते रहते हैं। आज भी मैं ये चेक करने आई हूँ। अच्छा बनाया। ये इस विद्यालय का है ओपन थिएटर या खुला रंगमंच, ये एक CSR के तहत ये कंपनी थी प्रयाग पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड करके, उन्होंने इसका निर्माण करके दिया है पिछले साल ही 60x30 के अंदर। और इसमें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल आधुनिक दो कमरे बने हुए हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए। ये लखेरों का मोहल्ला है। हमारे यहाँ गांव में घर घर में औरतें लाख की चूड़ियाँ बनाती हैं और उन पर नथ चिपकाती हैं। तो लगभग सारे परिवार, कम से कम 20 से 30 परिवार इस चूड़ी बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये जो मोहल्ला था यहाँ दोनों साइडों में नालियाँ खुली थी, बहुत ही सड़क सकड़ी थी, निकला ही नहीं जाता था। और ये हमने जो सैनिटेशन का काम कराया, ये देखिए आप साइड में ये नालियाँ भूमिगत हो गई है, तो इसे गंदगी भी नहीं रही और सड़कें भी चौड़ी हो गई। और ये आ गया हमारे गांव का कन्या विद्यालय। ये है हमारे गांव का राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय। यहाँ लगभग 125 बच्चियाँ पढ़ती हैं पहली क्लास से 10वीं तक। इस विद्यालय में पीने के पानी की भी पूर्ण सुविधा युक्त है, RO भी लगा हुआ है, वाटर कूलर भी है। इसी स्कूल में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किया जाता है। कैसे हैं बबीता जी? सब बढ़िया। कितने बच्चे आए आज? बच्चे 10 बच्चे आए थे। 10 बच्चे आए थे, अब गए? छुट्टी हो गई, टाइम हो गया।
18 बच्चे यहाँ आते हैं, अब तो छुट्टी हो गई, जब चले गए हैं बच्चे, छोटे होते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा देर नहीं रोका जाता। केंद्रों में पौष्टिक भोजन के साथ साथ उनको अंक ज्ञान भी करवाया जाता है। बच्चे 3 साल से और से 5 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ आते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आपको गुरुजी? होली का त्यौहार किस उपलक्ष में मनाते हैं? होली के बारे में बताओ। होली का त्यौहार अपन क्यों मनाते हैं? बुराई भी अच्छाई की जीत होती है। वेरी गुड। ये लहर कक्ष है, इसमें बिल्कुल छोटे बच्चे देख देख के इनको अक्षर ज्ञान हो, इनको अंक पहचानने की और अक्षरों को पहचानने की प्रैक्टिस करवाने के लिए लहर, प्रत्येक विद्यालय में एक लहर कक्ष होता है, तो इस स्कूल का लहर कक्ष ये है। नीचे पूरे बोर्ड बने हुए ताकि बच्चे खुद ही लिख सकें, उन पर प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, कंप्यूटर लैब भी है इस स्कूल में। सरकार स्कूल तो खोल देती है लेकिन पूरा स्टाफ नहीं देती, इससे पढ़ाई बहुत बाधित होती है। अब टीचर्स डाक बनाएंगे, पेपर वर्क करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वैसे ही आपको पता है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये लड़कियों को हम कैसे खींच खींच के तो स्कूल लाते हैं, यहाँ अगर इनकी पढ़ाई नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये 2 टॉयलेट्स एक NGO के द्वारा बनाए गए हैं, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये 2 टॉयलेट्स बनवाए गए हैं गर्ल्स के लिए। पानी की सुविधा भी है, टंकी वगैरह रखवाई है, साथ में वॉश मशीन हाथ धोने के लिए। ये 3 साल पहले प्रयाग पॉलीटेक्निक ने 6 टॉयलेट्स का सेट बनवाया था, 1 बाहर है 6 अंदर है गर्ल्स के लिए, और इसमें रोज़ाना साफ सफाई होती है, सफाई कर्मचारी रखा हुआ है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है ये। वैसे ड्यूटी तो सारे काम सरकार के कराने की है, लेकिन ये धन्यवाद देता हूँ भामाशाह को, ये पूरा स्कूल का जो निर्माण है ये भी सारा का सारा भामाशाह के थ्रू हुआ है, और कंटिन्यू हमारे भामाशाह से ज़्यादा प्रयास हैं कि एक तो हमारी जो मुख्य है ना, इसमें बरामदा बन जाए चारों तरफ, और बरामदा और इसके अंदर भी एक हॉल है, जब सीनियर सेकंडरी में हॉल देखा ना उसके बारे में छोटा हॉल है, तो इसमें एक भामाशाह प्रेरित हुए हैं। जो मुख्य यहाँ पे जो कमी है पुराने टाइम में, वो सरकार के स्तर पर ना, एक तो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब बहुत पहले स्थापित हुई थी, सरकार नीति ऐसी वो कंप्यूटर एक बार देने के बाद ना दोबारा हमसे कभी रिपेयरिंग हो पाए और नए उनके नए अपग्रेड होने चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे गांव का, सरकारी भूमि, कोई नदी नाला कुछ नहीं है, केवल 3 जोड़ हैं जिनसे हम गुजारा कर रहे हैं, और ज़मीन की इतनी समस्या है। स्कूलों के पास खाली कमरे जो बन चुके हैं वो ही हैं, उनके लिए कोई खेलने के लिए ग्राउंड के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि एक गंभीर जो समस्या है मेरे गांव की, वो है कि हमारे जो गांव का डेली का जो रूटीन का कचरा है, उस कचरे को कहाँ फेंके, उसके लिए भी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम सरकार से, जब 2015 में सरपंच बने थे जब से प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई अब तक, और हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं, हमें उसमें जारी रखे हुए हैं कि कभी ना कभी तो हमें वो भी सफलता मिलेगी। हमारे गांव में एक उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, जो ये सरकार की एक योजना है कि जो उत्कृष्ट विद्यालय होता है उसमें प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष सुविधाएं हो, पानी की, टॉयलेट्स की, बिजली की, कर्मचारियों की भी उसमें जो टीचर्स का रेशियो हो वो भी कंप्लीट हो, और फर्नीचर भी सभी क्लासों में पूर्ण हो। हालांकि स्थान की तो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा सा बना हुआ है, इसमें लाइब्रेरी है, किचन है, एक हॉल है, पूरे 8वीं तक के क्लासरूम्स हैं, और सभी क्लासों में फर्नीचर है। लाइब्रेरी का कक्ष बन गया है, उसमें फर्नीचर है, और उसमें बुक्स आनी अभी तक बाकी है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगी। ये स्कूल जो है 1985 में स्थापित हुआ था, लेकिन जब बना था वही गांव के लोगों से कुछ MLA के लेट से पैसे आके बने थे, लेकिन ये स्कूल क्यों 30-40 साल पुराना हो गया था तो काफ़ी नीचे दब गया था। ये CSR के थ्रू इसको 5 फीट ऊपर उठवा के इसको दोबारा पुनर्निर्माण इसका हुआ है।
हमारे गांव ने हमने शिक्षा के लेवल को ही नहीं, हमने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और कई किसान ऐसे हैं मेरे गांव के अंदर ही जो राज्य स्तर पर भी पुरस्कार ले चुके हैं और खेती को एक उद्योग की तरह लेके काम कर रहे हैं और उनसे हम समय समय पर उनके खेतों पर जाना, उनसे मिलते हुए रहते हैं, उनका मोटिवेशन लेना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे सीख के हम और किसानों को कोशिश करते हैं भी वो भी ऐसा काम करें। मैं आज काफ़ी टाइम से 10-11 साल से सब्जी की आधुनिक खेती तैयार की जा रही है मेरे पास। मैं फर्स्ट के अंदर गोभी लगाता हूँ, गोभी कटाई करके दोबारा गोभी लगती है, दोबारा गोभी कटाई करके मैंने तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला, टिंडा, चपल टिंडा इनकी खेती करता हूँ। दो बार तो मेरी गोभी कटाई होती है, तीसरी कटाई होती है मेरी बेल की सब्जी कटाई होती है और टोटल काम मेरा ड्रिप पर काम होता है। और हमारे सरपंच हैं जो गांव में बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई चीज़ की कमजोरी नहीं आ रही है। और बामासा कार्ड है, स्कूल का मामला है, खेती का मामला है या आगे आधुनिक मामला के अंदर, बढ़ोतरी के अंदर, हर चीज़ के अंदर जब भी बोलते हैं वह आगे बोली के साथ ही तैयार रहते हैं हमारे साथ। देखा मिशन जी का जो काम कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट आधुनिक मेल्चिंग, ड्रिप इरीगेशन और नए तरीके से पौधरोपण करना, पोली और ड्रिप, ये सारे से काफ़ी टाइम पहले से लगे हुए हैं। लेकिन इनकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे मेरे ख्याल साल में एक दो कैंप तो लगवाते रहते हैं कृषि वैज्ञानिकों का। और पिछले लास्ट ईयर एक राज्य स्तर पे राज्य सरकार ने कृषि विज्ञान मेला भी यहाँ पे लगवाया था जिसके अंदर हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ और इनको देख के कुछ उनकी सुन के आज मेरे गाँव के अंदर लगभग 100 हेक्टर के अंदर ड्रिप इरीगेशन का काम चल रहा है। गांव में खेती के क्षेत्र में हम बढ़ावा देने के लिए हमने स्वयं एक प्रयोग किया, एक मशरूम यूनिट डाली है, इसमें हम मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, बटन मशरूम का उत्पादन यहाँ हो रहा है। मशरूम एक ऐसी खेती है जो कम जगह में और किसी भी मौसम में की जा सकती है। भाइयों के पास ज़मीनें बहुत कम हो जाती है तो उससे अपना घर खर्च नहीं चला सकती, जीवन यापन नहीं हो पाता, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सघन खेती की जाए। तो सघन खेती में ही एक मशरूम उत्पादन के लिए प्रयोग किया है। ये हमारे भामाशाह है जो हॉस्पिटल देख रहे हैं PSC, ये सब इनकी देन है। इन्होंने ये बना के गांव में दान किया, जमीन में दी थी, बिल्डिंग में नहीं की थी, जो बना के दिए। जो अस्पताल है ये हमारे बड़े भाई साहब और हम सब भाइयों ने मिलकर के बनवाया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी प्रकार से अस्पताल चल रहा है और पब्लिक की सेवा कर रहा है। और मुझे ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि हमारे गांव में आजकल बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट और कर्मठ सरपंच साहब हैं स्वामी जी और काफ़ी अच्छा कार्य गांव के लिए कर रहे हैं। सरपंच साहब ने अंडरग्राउंड नालियों को अंडरग्राउंड करवा दिया जिससे मतलब कि डेंगू वगैरह की इनकी बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है। कि अगर इस हॉस्पिटल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए या इसमें और उन्नति की जाए और इसको अगर PSC से अगर CSC में कन्वर्ट किया जाए। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अस्पताल के अंदर हमारे यहाँ डॉक्टर सही सेवा दे रहे हैं, सारा स्टाफ है बढ़िया है, गांव के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी इस समय नहीं है। भूमिगत नाली जो हमने प्रक्रिया हमने गांव में चल रही है पूरे गांव के अंदर, ये उसका हिस्सा आप देख सकते हैं। इसका भूमिगत नाली का क्या फ़ायदा हुआ, जो पहले यहाँ कीचड़ रहता था हमेशा कीचड़ खत्म, सड़क की चौड़ाई बढ़ गई। इस मोहल्ले को हमने ये शुरुआत पे इससे चली भी गंगी का संपूर्ण तरीके से सफाया करा जाए,
जिसमें हमें सहयोग मिला पूरे मोहल्ले से। यहाँ पे हमने नालियाँ भूमित कर दी हैं, जिसका रख रखाव ये मोहल्लेवासी अपने आप समय करते हैं। और आप इस मोहल्ले को दूर तक देखेंगे, ये लगेगा जैसे चंडीगढ़ हमारे प्रागवरा के अंदर बस गया हो। आपके घरों में जो बर्तन मांजने, कपड़े धोने और नहाने धोने का जो पानी इस्तेमाल होता है, जो खुली नालियों में बहता रहता, उसको हमने जो गाँव में स्थित जो कुएँ सूख चुके हैं, जिनका जल स्तर भूमिगत ही हो चुका है, उन नालियों को उन कुएँ से जोड़ दिया ताकि भूमिगत पानी दोबारा रिचार्ज हो जाए। ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का ही हमने एक प्रयोग किया है। गांव में जो विकास हो रहा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, वो पूरा अभी पूरा गांव से संतुष्ट है। तो हमारे गांव में कॉलेज बन जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कई बच्चों को परेशानी खत्म हो जाएगी, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ कमियाँ हैं गाँव में, जैसे जोहड़ की समस्या है। एक कोई बड़े उद्यान नहीं है जहाँ बुजुर्ग जाके बैठ जाएँ, सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए बच्चों की, खेलने खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कचरा निस्तारण, जो यहाँ पे सब अपने घर के आगे डब्बा भी रखते हैं, लेकिन वो पंचायत उसको कहाँ ले जाके डाले, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई जगह नहीं है कचरा निस्तारण की, नालियाँ भी बढ़िया बन गई, इतना अब गंदगी भी नहीं होती, सब रोड भी बढ़िया हो गए। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका उद्घाटन शिलान्यास किया है। ये 1 करोड़ की योजना है, जिसमें 3.5 लाख लीटर का तो ओवर हेड है और 1.5 लाख का नीचे एक स्टोरेज टैंक है। 4 पंप हाउस बने और ये सन 2035 के बाद जो को लेके इसका ड्राइंग तैयार की गई है। लगभग इसमें 80% गांव मेरा कवर हो जाएगा। जो पानी की जो समस्या है पीने की, जो कई मेरे वार्ड जो बाकी थे 21 में से, वो सब जगह पानी घर घर तक पानी पहुंच जाएगा लगभग से। इसमें हमारे गांव में जो गलियों में नालियों में जो पानी व्यर्थ बहता है, उसको हम चाहते हैं कि वो वापस धरती में ही चला जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। इसके लिए हमने ये इस जोहड़ की खुदाई शुरू करवाई है कि ताकि जो हाईवे का भी जो पानी है और भी जो पानी व्यर्थ हो रहा है, कि उस व्यर्थ पानी को इस एक तालाब में इकट्ठा कर लिया जाए। तो एक तो इस तालाब की स्थिति अच्छी हो और जो ज़मीन का जो पानी है, भूजल स्तर है, वो उसका एक लेवल ऊंचा आए। और मैं इस जोड़े को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती हूँ। ये अच्छी तरह बन जाए, इसमें छोटी छोटी बोटिंग वगैरह का हो जाए, यहाँ आसपास कुछ वेंडर्स हो जाएं, ये जो पूरा एरिया है इसके चारों तरफ की बाउंड्री, इसको हम सीमेंटेड बनवा के और इस पर एक वॉकिंग वे बन जाए, ताकि गंद और ये गांव की गंदगी भी हट जाए। वैसे ये गांव का हृदय स्थल है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये जो हाईवे का जो वेस्ट पानी है, जो बरसाती दिनों में फैल जाता है, इसको हाईवे से अटैच NH8 वालों से बात करके हमने इस पानी को, हम जो अभी जोड़ में जाके आए, उस जोड़ के अंदर लेके जाएंगे, जिससे आने वाले अनेकों सालों तक हमारी जो पीने के जो पानी की जो समस्या है, वो शायद हमारे प्रागपरा गांव के अंदर ना आएगी।